अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. एंड यू? आई होप यू विल बी फाइन. ओके, हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था कि हमने अपने सबक अल्लाह सुभान व तआला को किस तरह पढ़ना है. हमने उसकी बुलंद ख्वानी करी, हमने देख के पढ़ा, खामोश मुताला किया. बार बार किया था ना जी. अब आपको अपना सबक पढ़ना आ गया. आपको ये पता है कि हम जब कायनात की खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, तो बख्तियार हम क्या कहते हैं जी? सुभान अल्लाह कहते हैं. क्योंकि इतने प्यारे फूल हैं, इतने प्यारे रंग हैं, इतने सारे मौसम हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, और बाख्तियार हम क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह. हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, अच्छे अच्छे खाने दिए हैं, और हम क्या करते हैं? उसका शुक्र अदा करते हैं. हम शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के. आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपने ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कहते हैं ना जी. हमें छींक आती है तो जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जी. और हम अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं जी? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कहते हैं. ठीक है. और ये बताइए कि हम जब बुलंदी से नीचे उतरते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं? जी हाँ जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और बुलंदी पे ऊपर चढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. क्योंकि हम जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या अपस्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो हमारे लिए चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमें एक पावर आ जाती है और हम जल्दी जल्दी अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं. अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हम अपनी अजान में कलमात सुनते हैं. और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जी, तस्बीह फ़ातिमा बताई थी. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को तस्बीह बताई थी कि आप रोज़ाना हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ें. तो हमने भी फ़ैसला कर लिया था कि हम रोज़ाना ये तस्बीह दोहराएंगे अपनी नमाज़ों में और सोते वक्त. जी, सोते वक्त पढ़ेंगे हम सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर जी ये हम 34 बार यानी 34 टाइम्स पढ़ेंगे. आइए, अपने सफ़र नंबर 2 की कुछ एक्सरसाइज है वो हम करते हैं. पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सफ़र नंबर 2 पर क्या है. ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है. इस कार्टून का मतलब है, ये हमारा आइकन है जिसका मतलब है समझिए, समझिए. इस बात को समझ के रखना है कि आपने यहाँ क्या पढ़ना है और हमेशा याद रखना है. ये है हम सुभान अल्लाह कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाया है. दोबारा पढ़ती हूँ, हम सुभान अल्लाह कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाया है. ये है हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं इससे अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों में इजाफा करता है. दोबारा पढ़ती हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं इससे अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों में इजाफा करता है.
ये है हम, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हैं, इससे अल्लाह ताला हमें तरक्की करने में मदद देता है। अगेन पढ़ते हैं, हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, इससे अल्लाह ताला हमें तरक्की करने में मदद देता है। तो आपने ये समझ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर हमें क्यों पढ़ना चाहिए बार बार, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट में है और इससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला का ज़िक्र इसलिए अदा करते हैं कि हमें फ़ायदा पहुँचे और हमें तरक्की मिले, हमारी चीज़ों में इजाफ़ा हो और हमें अल्लाह ताला की पाकी बयान करने का मौका मिले। आइए, कुछ अल्फाज हैं जो कि हमने अरबी में लिखने की प्रैक्टिस करती हैं, उनको देखते हैं। ये है अरबी के अल्फाज, लिखिए। अरबी के अल्फाज लिखिए। अरबी यानी जो कि हमारे कुरान शरीफ की ज़बान है, इसमें हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ, और हमें उस अल्फाजों को लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उनको खुशखत लिखना चाहिए। जब हम अरबी के अल्फाज खुशखती में लिखते हैं तो देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना आपको अच्छा लगेगा कि मैंने आज खूबसूरत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, अल्लाहु अकबर लिखा, सुभान अल्लाह लिखा, और आप सबको दिखाइएगा कि आपने कितनी खूबसूरती से इन अल्फाज को लिखाया। ये है ब्लैंक की तरह, हमने एक एक्सरसाइज दी है, आप इसको फिल करेंगे। डॉटेड तरीके से हमने उन अल्फाज को लिखा है, आप मिलाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन फिर आप अपनी नोटबुक में खूबसूरत सा प्यारा सा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर वन, अल्लाह ताला पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। ये देखिए, ये हमारे डॉटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने इन डॉट्स को मिलाकर इस पर पेंसिल फेरनी है और इसको कंप्लीट करना है, और अगेन अपनी नोटबुक में खूबसूरत सा प्यारा सा इन अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस करना है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, नंबर दो, अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया। दोबारा पढ़िए, अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको कंप्लीट करें, देन आपने नोटबुक में बार बार लिखना है और ख़ूबसूरत से इसको नक्काशी कर आपने इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये है तीसरी लाइन, नंबर थ्री, अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों से सजाया। अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों से सजाया। ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह आपने बाकी दो अल्फाज लिखे हैं, बिल्कुल इसी तरह सुभान अल्लाह को कंप्लीट करना है और अगेन अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, एक थिंकिंग का पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, कुछ आपने दोबारा सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ और चीज़ें
जो हमें अल्लाह ताला ने दिए आपने उनके बारे में सोचना है, यानी आपने बादल, पहाड़, दरख्त, परिंदों, जानवर, जो चीज़ें सब हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए दी हैं उनके बारे में सोचना है। और कल हम अपनी एक्सरसाइज में उनको मश्क करेंगे उनके लिए, और हम उनके मश्क में अपने आप शामिल करेंगे कि हमें क्या क्या पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी और आप उनको खूबसूरत से अपनी ये एक्सरसाइज करके दिखाएंगे अपनी नोटबुक में। और हम मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।